Good morning. Today we are going to do exercise 11.3 from question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, अपने बुक से अपना क्वेश्चन पढ़िएगा. मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन में बता रहा है कि एक रोड रोलर है. अब रोड रोलर का शेप कैसा होता है? सिलेंडर का शेप होता है ना, जब यू चलता है और राउंड होता है, तो जब वो चलेगा तो पूरा यू एक घूमेगा, पूरा एक राउंड बनेगा, तब एक रिवॉल्यूशन होगा. तो उसका निकालना है कि एरिया. तो उसमें बोल रहा है कि वो रोड रोलर जो है वो 750 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया रोड का कवर कर लेगा, यानी 750 टाइम्स उसका वो पहिया जो है वो राउंड घूम जाएगा तो कितना एरिया कवर कर लेगा मीटर में. तो देखो क्वेश्चन में आपको डायमीटर दे रखी है रोलर की. देखो रोलर का शेप होता है यू, ठीक है. ये रोलर की ये हो गई आपकी डायमीटर. तो डायमीटर देखी दे रखी है 84. तो अपने को हमेशा चाहिए एरिया वगैरह में रेडियस निकालनी होती है, तो रेडियस होती है डायमीटर की आधी, हाफ होती है. तो हमने रेडियस यानी कि त्रिज्या निकाल ली 84/2. ये पूरी रेडियस यानी व्यास दे रखा था, इसकी हाफ हो गई रेडियस यानी त्रिज्या. तो 84/2 यानी 84/2. 84 को 2 से डिवाइड किया तो आ रहा है 42 सेंटीमीटर. ये हमारी आ गई रेडियस इतनी 42 हाफ. अब बोल रहा है लेंथ ऑफ रोलर. इस रोलर की ये लेंथ है 1 मीटर. अब हमारे पास में जब रेडियस यानी त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हमें इसकी जो ये लेंथ है ये भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 मीटर में होती है 100 सेंटीमीटर, यानी इस रोलर की लंबाई जो है वो 1 मीटर है. तो अगर हमारे पास त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो हमें लंबाई भी इसकी सेंटीमीटर में निकालनी पड़ेगी. तो 1 मीटर को होते हैं 100 सेंटीमीटर. हो गया. अब पूछा है कर्व सरफेस एरिया. पहले एक राउंड एक बार जब पहिया घूमेगा तो उसमें कितना एरिया कवर हुआ. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर यानी बेलर यानी सिलेंड्रिकल शेप हो गया. अब ये सिलेंडर एक राउंड में पूरा घूमेगा तो उसमें कितना सरफेस एरिया कवर होता है. तो उसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ रोलर यानी सिलेंडर का 2πrh. अब 2πrh से जमा दे 2 × π की वैल्यू हमेशा 22/7. रेडियस यानी त्रिज्या जो है 42 और एच यानी इसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर. देखो 7 से 46 कर गया, 7 × 6 = 42 यानी 7 × 42. अब ऊपर के सारे नंबर्स को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 × 22, 22 × 6 और 6 × 100 यानी 2 को गुणा 22 से, फिर जो आंसर आया उसे 6 से और फिर जो आंसर आया उसे 100 से. तो आपका आंसर आएगा ये यानी 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एक राउंड में. अब हमें कितने निकालने हैं रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर लगाने हैं? 750 चक्कर लगाएगा, 750 रिवॉल्यूशन यानी 750 चक्कर में कुल कितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है. ए कर्व सरफेस एरिया बाय रोलर इन इतना कर्व सरफेस एरिया. तो ये हो जाएगा कितना, इसी को जितना भी ये एक चक्कर में निकला था इतना 26,400 उसको मल्टीप्लाई कर दो 750 से. तो ये हो जाएगा यानी 26,400 को गुणा किया 750 से, ठीक है. तो हमारा आंसर आ रहा है ये कितना, 1,10,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 1,98,000 lakh आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में. अब हमारा आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में तो रोड को नहीं नापेंगे हम उसको नापेंगे मीटर स्क्वायर में. तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, अब मीटर स्क्वायर बोल रहा है तो कितना होता है 100 × 100. देखो एक बार क्लियर भी नहीं दिख रहा है. 100 × 100. अब 100 × 100 कर दे यानी 1 मीटर स्क्वायर में होता है 100 × 100 क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो स्क्वायर है यानी 2 बार 100 × 100. अब इसको अपन इसके नीचे लिख दे इसी नंबर के, ठीक है. तो हम इसके नीचे लिखेंगे तो देखो इस नंबर के नीचे लिख दिया तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. 00 से 00 कैंसिल हो गई और ये 00 से 00 यानी कितना रह गया 1980 यानी 1980 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है 1 मीटर स्क्वायर बोल रहा है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 लिख दिया गुणा में. अब इसको बदल दिया बटे में, 2 बार 100 से भाग दे दिया इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 जीरो से 2 जीरो कटी. तो इतना कितना बचा 1980 मीटर स्क्वायर जो है वो रोड का एरिया कवर कर दिया. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, एक टंकी बोल दो आप, डब्बा बोल दो राउंड, लेकिन सिलेंडर का शेप है यानी बेलन का शेप है उसका बोल.
थैंक यू। और उसकी रेडियस डायमीटर दे रखी है, अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि डायमीटर ये सिलेंड्रिकल शेप, ये इसका डायमीटर, डायमीटर दे रखी है यानी व्यास जो है वो है 14 सेंटीमीटर पूरा। अब अपने को चाहिए रेडियस यानी आधी, तो ये हो जाएगी रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगी 14/2, इसका हाफ हो गया, अपॉन टू करके तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि इसकी हाइट जो है ये पूरी हाइट है 20 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये हो गई हमारी हाइट 20 सेंटीमीटर की इसकी सिलेंडर की। लेकिन बोल रहा है लेबल, लेबल की जो हाइट है वो कितनी है, तो लेबल हमने इस पर लगा रखा है, इस लेवल तक लगा रखा है, मान लो हमने ये बीच में लेबल लगाते हैं अपन जब भी लगाते हैं, ये लगाते हैं जिस पर हम कुछ भी लिखते हैं, तो ये लेवल हो गया। अब इस लेवल की हाइट जो है वो निकालनी है, तो ये कह रहा है 2, तो इधर से, अब इधर से 2 छूट गया और इधर से 2 छूट गया, तो ये 2 और 2 माइनस हो गया, तो लेवल हो गया 20-4 यानी 16, तो ये लेवल की हाइट हो गई इसकी 16, ठीक है। अब देखिए 16 हो गया हमारे पास में। अब हमें लेबल का सरफेस एरिया निकालना है, केवल कर्व सरफेस एरिया यानी उस लेबल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो लेबल की हाइट लगेगी, लेबल की, तो कितना हो जाएगा 2 कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2πRh, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर है रेडियस 7 और एच हो गई हमारी लेबल की 16, लेबल की जो हाइट है वो है 16, तो अब 7 से 7 कट गया यानी 7 से 7 कट गया, तो अब मल्टीप्लाई कर दो 2 को 22 से, 22 को 16 से, तो आंसर आएगा अपना 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 को मल्टीप्लाई करो 2 को 22 से और 22 को 16 से, तो आंसर आ रहा है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ आपकी 11.3 एक्सरसाइज फिनिश हो रही है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।